फ्रेंड्स वेलकम बैक, और मैं उमेश रॉय एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रोक में। मैथ स्ट्रोक में आज का क्लास बेहद इम्पोर्टेंट होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज हम एक थ्योरम करने वाले हैं, एक प्रमेय को सिद्ध करेंगे, थ्योरम को प्रूफ करेंगे, और ये थ्योरम बहुत इम्पोर्टेंट है और कई बार इसका एप्लीमेंट भी होता है, कई बार आपसे एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो बहुत इजी तरीके से आज बताया जाएगा, तो शुरू से लेकर लास्ट तक वीडियो के साथ बने रहिए। तो चलिए देखते हैं, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है यहाँ पर प्रमेय थ्योरम है। थ्योरम हमारा क्या है? ये है, एकदम पॉपुलर है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, अर्थात दो समकोण होता है। आपको कभी कभी इस तरीके से पूछ देगा कि सिद्ध करे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण होता है, तो वहां पर आपको घबराना नहीं है। दो समकोण यानी 90 डिग्री का कोण को समकोण बोलते हैं, और 90 को ऐड करेंगे तो 180 यानी 180 डिग्री हो गया, तो वही थ्योरम है। तो पहले इस चीज को समझे, ठीक है ना? इसलिए मैंने लिख दिया हूं, अगर सिर्फ ये पूछे त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे जैसा अभी मैं सॉल्यूशन देने वाला हूं, और पूछेगा कि दो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग दो समकोण के बराबर होता है तो भी ऐसे ही प्रूफ करेंगे। क्लियर है? इंग्लिश में भी चलिए समझ लेते हैं। तुम्हारा द सम ऑफ द थ्री एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल That is two right angle, I mean 180 degree, ठीक है ना? कह रहा है कि sum of three angles of a triangle 180, ये आपको प्रूफ करना है। दो तीन स्टेप बहुत इजी है, बोल रहा ना बहुत इजी, दो तीन स्टेप इसको ध्यान से समझना है और एक ही बार में सबको सीख लेना है। क्लियर है? चलिए तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर लिखेंगे विशेष प्रतिज्ञा, विशेष प्रतिज्ञा। ये विशेष प्रतिज्ञा में क्या लिखेंगे तो ध्यान दीजिएगा, यहां पर मैंने एक त्रिभुज बनाऊंगा, यहां पर देखिए इसमें फिगर बहुत हेल्पफुल है, विदाउट फिगर का नहीं समझ पाएंगे। इस तरीके का मैंने एक त्रिभुज बना लिया, क्लियर है? और इसका त्रिभुज बना लिए, इसका नाम रख देते हैं यहां पे ए बी और यहाँ पे सी, क्लियर है? और इसके अंतः कोण यानी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग इसको मान लेते हैं, यहाँ पे मान कर चलिए एक, इसको मान लिए दो, और इसको मान लेते हैं थ्री। इस चीज को समझिए। अच्छा, कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है, सिद्ध करें कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 डिग्री होता है तो भी वही करना हो, अंतः कोणों का योग कहेगा। देखिए अंतः कोण है, यहां पर मान लिया कोण एक, कोण दो और कोण तीन, क्लियर है? तो यहां पर लिखेंगे, माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है। बहुत आसान सा है, विशेष प्रतिज्ञा में यही लिखे, मैंने एक त्रिभुज बनाए थे तो लिख दिए माना कि ए बी सी एक त्रिभुज है, क्लियर है? अब देखिए उसके बाद लिखेंगे सिद्ध करना, प्रूव डेट, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है स्टूडेंट्स? तो सिद्ध करना है कि कोण एक प्लस कोण दो और प्लस कोण थ्री, कोण वन टू थ्री, इसका सम जो है 180 डिग्री या कहिए दो समकोण के बराबर होता है, यही मुझे सिद्ध करना था। तो विशेष प्रतिज्ञा के बाद क्या लिखना है, सिद्ध करना है त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण थ्री इज इक्वल टू 180, क्लियर है? आराम से समझ गए, एक एक चीज को क्लियर करते चलेंगे। उसके बाद देखिए अब क्या करना है, अब रचना करना है, और ये मेन चीज होता है रचना, क्योंकि रचना के मदद से हम किसी चीज को प्रूफ करते हैं। तो रचना देखिए, रचना का अर्थ हुआ कि जो हमारा मूल फिगर है उसमें अलग से कुछ हेर फेर करना, यानी उस फिगर में कुछ और ऐड करना, कुछ और इंक्लूड करना, क्लियर है रचना? देखिए रचना क्या करेंगे कि त्रिभुज एबीसी का जो शीर्ष बिंदु ए है, तो शीर्ष बिंदु ए से देखिए यहां पर शीर्ष बिंदु ए से
बीसी के समांतर, ध्यान दीजिए, इसके बीसी के समांतर हम लोगों ने क्या किए, एक रेखा खींचे, इसका नाम हम रख देते हैं इधर डी और इस बिंदु को मान लेते हैं ई। ठीक है, तो देखिए और डी ई और बी सी दोनों क्या होंगे, समांतर रेखा होंगे। समांतर रेखा समझ रहे होंगे, पैरेलल लाइन, वैसी रेखा जिसकी बीच की दूरी हमेशा समान है, यानी दो रेखाएं जो आपस में कभी नहीं मिलेगी उस रेखा को हम लोग क्या बोलेंगे, समांतर रेखा। तो रचना क्या किए, पहले तो फिगर हमारे पास त्रिभुज एबीसी था, उसपे क्या किए कि त्रिभुज एबीसी का शीर्ष बिंदु ए जो है, ए से हम लोगों ने डी ई बी सी के समांतर खींचा। तो रचना भी लिख दीजिए, शीर्ष बिंदु ए से बी सी समांतर डी ई खींचे। क्लियर, देखिए रचना जो किए यही ना किए थे कि शीर्ष बिंदु ए से, यहां से ये वाले बिंदु से, यहां से शीर्ष बिंदु ए से हम लोगों ने बी सी के समांतर डी ई एक रेखा खींचे थे। क्लियर है, अब चलिए अब यहां पर जो कोण बनेगा इसको हम मान लेते हैं कोण चार मान लेते हैं, एक ठीक है ना, एक दो तीन हो गया है, तो यहां पर मान लेते हैं कोण चार और चलिए इधर वाले को मान लेते हैं कोण पांच। क्लियर है, ये कोण चार और ये कोण मान लिए पांच। क्लियर है, चलिए क्योंकि एक दो तीन था तो चार और पांच, अब यहां तक क्लियर हो गया। अब देखिए रचना करेंगे तो कुछ नया चीज बनेगा, तो वहां से हो जाता है उपपत्ति, ध्यान रखेंगे, अब हमारा हो जाएगा उपपत्ति। ठीक है, अब उपपत्ति क्या होगा, तो उपपत्ति यही हुआ कि बीसी के समांतर हमने जो एक रेखा खींचे, देखिए लिखेंगे चूंकि बीसी समांतर डीई, तब देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, इस चीज को समझिए, ये दोनों रेखा समांतर है और एक त्रियक रेखा मैंने यहां पर खींच दिया, ये लीजिए मैंने एक त्रियक रेखा खींच दिया, तो इस कोण के बराबर जो होगा ये कोण होगा, यानी इसका एकांतर कोण ये होगा और दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये भी एक थ्योरम है कि समांतर रेखा के भी एक त्रियक कोण खींचने से जो ये और ये कोण जो बनता है यह होता है समान होता है, यानी जितना ये होगा उतना ही ये होगा, एकांतर कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है ना, इसके कोण एक का एकांतर कोण इसमें कोण दो हो जाएगा, तो उस हिसाब से यहां पर देखिए अगर मान लीजिए ये हमारा ए बी है और ये हमारा डी ई है, तो ये वाला लाइन ये खींचे है, ये देखिए ए बी, इसको मान लीजिए यहां पर ए है नाम, हाँ तो चलिए यहां पर मान लीजिए ए बी था, ये इसको कुछ और रख लीजिए, चलिए उधर डी सी रख लिए, इधर ए बी रख लिए, यहां पर मान लीजिए एल और एम, तो डी ई समांतर एल एम है और यहां से जो खींचे तो कोण ए का एकांतर कोण क्या होगा, कोण बी होगा, तो यानी कोण एक का एकांतर कोण क्या हो जाएगा, चार हो जाएगा। ठीक है ना, इतना में कोण एक बराबर हो जाएगा एकांतर कोण चार, इस चीज को समझिए, एक का एकांतर कोण क्या होगा, चार, और तीन का एकांतर कोण क्या होगा, पांच, क्योंकि देखिए यहां भी एक त्रियक रेखा खींचा हुआ है ए बी और इधर से देखिए ए सी, मान के चलिए अब इस तरीके का खींचा हुआ है, ये तो समझ गए, अब इसको देखिए अब ऐसे त्रियक रेखा ऐसे भी हो सकती है ना, तो ऐसे भी हो सकती है, हाँ मान लीजिए ए और ये बी है, तो देखिए ध्यान से इसका एकांतर कोण ई होगा, इसका एकांतर कोण ये होगा, यानी कि कोण तीन का एकांतर कोण कितना हो जाएगा, पांच, इसको पहले मान लीजिए कोण एक का एकांतर कोण क्या हो गया था, चार, इसको मान लीजिए समीकरण एक। क्लियर है, अब लिखेंगे पुनः या फिर लिख सकते हैं बी सी समांतर डी ई, बी सी समांतर डी ई में कोण थ्री, यहां देखिए कोण थ्री बराबर हो जाएगा एकांतर कोण पांच, कोण एक का एकांतर कोण क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, कोण पांच हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज को आराम से बना रहा हूं, क्लियर करते चल रहा हूं, आपको दोबारा जीवन में कभी नहीं भूलेंगे, प्रॉमिस करता हूं मैं। ठीक है ना, ये थ्योरम को
अब देखिए इसको मान लीजिए समीकरण दो, और ये कैसे समीकरण एक दो बनाए मैं उम्मीद करता हूं अच्छी तरीके से आप समझ गए होंगे कि देखिए BC और DE समांतर है, और वहां से हम जब ये त्रियक रेखा खींचते हैं तो एक एकांतर कोण चार हो जाएगा, और फिर वही BC समांतर DE में एकांतर कोण AC जो है उसका तीन का सॉरी त्रियक रेखा AC है सॉरी तो कोण तीन का एकांतर कोण क्या हो जाएगा पांच, ठीक है ना। तो वही मैंने लिखा, और एकांतर कोण क्या होते हैं बराबर होते हैं, मैंने ये थ्योरम कराया भी यहां भी समझा दिए। चलिए इसको अब मिटाते हैं। अब देखिए समीकरण एक और दो रेडी हो गया, तब लिखेंगे अब समीकरण एक और दो को जोड़ने पर, समीकरण एक दो को जोड़ेंगे हमारा LHS साइड में LHS जुड़ेगा और RHS साइड में RHS जुड़ेगा, तो कोण एक और कोण तीन को जोड़ेंगे तो लिखेंगे कोण वन प्लस कोण थ्री कोण वन प्लस कोण थ्री, ठीक है ना, बराबर हो जाएंगे कोण फोर प्लस कोण फाइव, कोण फोर प्लस कोण फाइव यानी कि बाया पक्ष को एक साथ जोड़ दिए और दाहिने पक्ष को एक साथ जोड़ दिए। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं, समीकरण एक और दो को जोड़ दिए। अब आप मैथ का एक रूल होता है कि समान संख्या दोनों तरफ जोड़ सकते हैं घटा सकते हैं, सेम संख्या से LHS RHS में जोड़ सकते हैं, सेम संख्या घटा सकते हैं, सेम संख्या गुना भाग कर सकते हैं। यहां पर देखिए लिखेंगे अब दोनों तरफ रूट टू जोड़ने पर, आप कहिएगा कि रूट टू ही क्यों जोड़े, क्योंकि मुझे सिद्ध करना है वन प्लस टू प्लस थ्री, और रूट टू कहीं नहीं था, एक था चार था तीन था पांच था लेकिन दो नहीं था, इसीलिए लिखेंगे अब दोनों तरफ दो जोड़ने पर। दोनों तरफ का मतलब ये इसमें और इसमें, तो देखिए दिख रहा है ना स्टूडेंट्स, तो चलिए इसमें आगे बताते हैं कि कोण वन और कोण थ्री को जोड़ेंगे। तो आप देखिए इधर कर लेते हैं, इधर जगह नहीं है स्पेस नहीं है, इधर बनाते हैं। तो देखिए लिखेंगे कोण वन प्लस कोण टू जोड़ दिए हैं प्लस कोण थ्री, अब बराबर इधर भी हो जाएगा कोण चार प्लस कोण दो और प्लस कोण पांच, ये वाला ठीक है ना। जैसे इसमें भी दो जोड़ दिए देखिए रूट टू, और इधर भी जोड़ दिए रूट टू, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए ये आपका जो है टर्निंग पॉइंट, यही समझने की चीज है। तो अब देखिए कोण दो प्लस कोण चार प्लस कोण पांच कहाँ है, यहां देखिए चार दो पांच, कोण चार कोण दो और कोण पांच, और ये तीनों जो है एक ही रेखा पर बने कोण, देखिए यहां पर ये ऐसे है सॉरी इस तरीके का है, तो ये कोण और ये कोण, तो तीनों को अगर इस तरीके से मिला देते हैं इसका योग कितना होता है 180 डिग्री, क्योंकि याद रखेंगे ये तीनों कोण जो है कोण चार दो और पांच एक सरल रेखीय कोण है, यानी एक ही रेखा पर एक सरल रेखा पर बने कोण है, और एक सरल रेखा पर बने कोणों का योग 180 डिग्री होता है, ये आपको पता है नहीं तो जान लीजिए। अगर एक ही रेखा पर अगर कोई कोण बनता है उसके सभी कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। यहां पर देखिए ये तीनों कोण जो है एक ही रेखा DE पर बना है, एक ही रेखा DE पर बना है, तो लिखेंगे यहां पर ब्रैकेट में चूंकि कोण DAE यानी ये वाला DAE एक सरल रेखीय कोण है, दिख रहा होगा या जो है चूंकि DAE ये D लिखा हुआ है स्टूडेंट, ये DAE एक सरल रेखीय कोण है ना, इसीलिए कोण चार प्लस कोण दो प्लस कोण पांच बराबर कितना होगा 180 डिग्री होगा, क्योंकि एक ही सरल रेखा पर बने कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो लिखेंगे अब
कोण वन, इसीलिए लिखा, इसीलिए कोण वन, कोण टू, कोण थ्री आ बराबर है कितना, कोण चार प्लस कोण दो प्लस पांच, कोण चार प्लस कोण दो प्लस कोण पांच बराबर कितना है 180 डिग्री, ठीक है ना। अतः कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण थ्री बराबर 180 डिग्री, ये हमारा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। यही हमारा थ्योरम था कि कोण वन प्लस कोण टू प्लस कोण थ्री बराबर कितना होगा 180 डिग्री, ये अर्थात दो समकोण। अगर यही लिखना रहता दो समकोण तो 180 लिखकर लिखे अर्थात दो समकोण। तो आई होप कि ये पूरा थ्योरम जो है आपको पूरा समझ में आ गया होगा। यदि आ गया होगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए, प्लीज रिक्वेस्ट है, क्योंकि आज का लाइक का टारगेट मैंने ज़्यादा नहीं 200 रखा है। तो हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर भी कीजिए, और साथ ही आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ये चैनल के माध्यम से मैथ आपको बहुत इजी तरीके से पढ़ाया जाएगा। वेरी यूजफुल चैनल आप सभी के लिए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।